अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में पोस्ट कोड 556 के जेओए पदों की रिजेक्ट अभ्यर्थियों ने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा से मुलाकात की तथा बताया कि इतना समय बीत जाने के बावजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने वन टाइम रिलैक्सेशन उन्हें नहीं दे पाए हैं, जबकि इन पदों के पात्र अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। हमीरपुर में पोस्ट कोड 556 के जेओए पदों की रिजेक्ट अभ्यर्थियों ने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा से मुलाकात की तथा बताया कि इतने समय बीत जाने के बावजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने वन टाइम रिलैक्सेशन उन्हें नहीं दे पाए हैं, जबकि इन पदों के पात्र अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने बताया कि धर्मशाला के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक राजेंद्र राणा ने उनका मामला प्रश्नकाल के दौरान सरकार के समक्ष उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों को ओटीआर देने की मंशा विधानसभा सत्र के दौरान जाहिर कर जल्द उन्हें नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही थी तथा उसमें जेओए पदों के अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। उन्होंने बताया कि ओटीआर मिलने के बाद जेओए के 500 से करीब पदों पर उन्हें नौकरी मिल जाएगी, जिसके लिए लंबे अरसे से लड़ रहे थे। इन अभ्यर्थियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान ये नहीं बताया गया था कि सरकार से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा ही मान्य होगा। अब सारी भर्ती प्रक्रिया को पार करते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जो कि युवाओं के साथ धोखा है। इस मौके पर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। पहले भी उनका मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाया था तथा अब बजट सत्र में दोबारा मामला सरकार के समक्ष रखकर मुख्यमंत्री को उनके वायदे याद दिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय व धोखा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि अभी बहुत सारे नौजवान बाहर मुझे मिले हैं और इनकी वही डिमांड है कि ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जो कि इन्होंने 15-20 दिन सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के समक्ष जो है ये धरना किया था, ये वो लोग हैं जो 2016 में इनके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्टें निकाली गई थी और उसमें एक मान्यता प्राप्त इस किसी इंस्टीट्यूशन से एक साल का कंप्यूटर का कोर्स किया हो, ये एक शर्त थी और क्वालिफिकेशन उसमें तय थी। परंतु जब ये लोग टेस्ट क्वालिफाई कर गए, उसके बाद जब इंटरव्यू की बारी आई तो इन्होंने कंडीशन लगा दी कि किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या सरकार से जो है ये कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हो तो उसको जो है वो इंटरटेन करेंगे। ये मामला फिर मेरे समक्ष भी आया और मैंने इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष विधानसभा में उठाया और मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि जब एडवर्टाइजमेंट के समय ये शर्त थी नहीं तो इंटरव्यू के समय ये शर्त क्यों लगाई। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम इनके लिए जो है इनकी इनके जो नियुक्तियां हैं इसके लिए सरकार जो है इनका काम करेगी और इनकी नियुक्तियां देगी और इनके जो है पक्ष में फैसला करेंगे। परंतु अफसोस की बात है कि दिसंबर महीने में ये जो सेशन लगा था उसमें ये बात हुई थी, आज फरवरी महीना जा रहा है और सरकार को कर देना चाहिए था। अब ये फिर मिले हैं तो मैंने इनको इंश्योर किया है कि आने वाला जो विधानसभा का सत्र है जो 25 फरवरी से शुरू हो रहा है उसमें इस मसले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। क्या मुख्यमंत्री इस मसले को हल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ये लोग भी आंदोलन करेंगे और मुझे मुख्यमंत्री ने इंश्योर किया है अगर आंदोलन करेंगे तो मैं इनके साथ धरने पर मैं खुद बैठूंगा।